जब हम लियोपार्ड्स और चैलेंज टैंक से वार करेंगे तो अटैक से पहले ही रूसी सैनिक युद्ध के मैदान से भाग खड़े होंगे। ये एक यूक्रेनी टैंक कमांडर की रूस को चेतावनी है, क्योंकि अब जल्द ही रूस यूक्रेन युद्ध में बराबरी की टैंक वॉर छिड़ने वाली है। जिस युद्ध की शुरुआत रूसी टैंकों के यूक्रेन में अटैक से हुई थी, उसी युद्ध में अब दुनिया के सबसे विनाशक टैंक आमने सामने होंगे। ज़ेलेंस्की अमेरिका से अब्राम टैंक मांग रहे हैं। जर्मनी ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ने अपने अब्राम टैंक यूक्रेन को दे दिए तो वो भी अपने लेपर्ड टैंक यूक्रेन की जंग में भेज देगा। अमेरिका और उसके कम से कम 50 सहयोगियों ने यूक्रेन में हथियार भेजने की रणनीति बनाने के लिए महायुद्ध की महारणनीति बनाई है। युद्ध की रणनीति बनाने के लिए जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कम से कम 50 देशों के डिफेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स शामिल हुए। इस मीटिंग में ज़ेलेंस्की ने बड़ी ही इमोशनल स्पीच दी है। ज़ेलेंस्की ने सबसे सिर्फ एक चीज मांगी और वो है युद्धक टैंक। वेस्टर्न वर्ल्ड के इस फैसले के बाद यूक्रेनी फौज का जोश हाई है। ये सेना के लिए एक बड़ी मोटिवेशन है। जब सैनिक के पास टैंक होता है तो उसका मनोबल बहुत ऊंचा होता है, उन्हें डर नहीं लगता है। लेपर्ड और चैलेंजर्स टैंक्स के साथ जब हम तूफानी शुरुआत करेंगे तो हम विजय होंगे। अब आपको बताते हैं कि जो M1A2 अब्राम टैंक ज़ेलेंस्की अमेरिका से मांग रहे हैं उनकी खासियत क्या है। M1A2 अब्राम अमेरिकी सेना का मेन बैटल टैंक है। अब्राम टैंक का इस्तेमाल अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, इराक, कुवैत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं भी करती हैं। इस टैंक ने फारस की खाड़ी के युद्ध, अफगानिस्तान में युद्ध, इराक युद्ध, 2011 की मिस्र की क्रांति, इराकी गृह युद्ध, यमन में सऊदी अरब के हमले में अपनी पूरी ताकत दिखाई है। इस टैंक में मुख्य हथियार है 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन। ये गन 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 120 mm की एक एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी है, किसी भी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। अब्राम टैंक की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने 1800 से ज्यादा टैंक तैनात किए, लेकिन दुश्मन इनमें से एक को भी तबाह नहीं कर पाए थे। हालांकि अब्राम पर फैसला होना भी बाकी है, लेकिन सर्दियां खत्म होने से पहले अमेरिका के 50 ब्रेडले फाइटर टैंक यूक्रेन पहुंच जाएंगे। वहीं यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन के युद्ध में टैंक भेजने वाला पहला देश बना है। ब्रिटेन ने यूक्रेन में अपने सबसे पहले सबसे एडवांस 14 चैलेंजर 2 टैंक भेजने का फैसला किया है। चैलेंजर 2 टैंक ब्रिटिश सेना का मुख्य टैंक है। 1998 में ब्रिटिश सेना में शामिल हुआ चैलेंजर टैंक यूक्रेन के लिए युद्ध के मैदान में सबसे आधुनिक टैंक होगा। युद्ध में ब्रिटेन का सबसे आधुनिक टैंक मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन को शुक्रिया बोला और बाकी नेटो देशों से कहा कि इस समय उन्हें सिर्फ एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और वो है टैंक। यूक्रेन की जीत के लिए इस समय सबसे जरूरी चीज टैंक है, पश्चिम के आधुनिक टैंक, जिनके लिए मैं बार बार अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें टैंक देने का निर्णय कर लिया है। सबसे पहले मैं ब्रिटेन का आभारी हूँ। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और बाकी पश्चिमी देशों के टैंक लगातार यूक्रेन पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच यूक्रेन के लिए बुरी खबर है कि रूस के मिलिट्री कारखानों में दुनिया के सबसे शक्तिशाली T-14 अर्माटा टैंक दनादन बनाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले पुतिन ने रूस के मिलिट्री कारखाने पहुंचे थे और उन्होंने खुद ये सुनिश्चित किया था कि रूस के पास टैंकों की कोई कमी ना हो। रूसी मिलिट्री कारखानों में तेजी से T-14 और T-15 टैंक बनाए जा रहे हैं। जाहिर है कि इनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ ही होना है।